में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर जम्मू से आ रही है जहां पर एक मेटाडोर में गोली चली है और जिसमें जम्मू यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर घायल हुए हैं। बताना चाहेंगे ये जो वीडियो है ये जम्मू और जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर के वीडियो है जहां पर उन प्रोफेसर को जर इलाज किया गया। और आप देख रहे हैं इस समय जो वीजुअल अपनी मोबाइल स्क्रीन पर, एक बड़े सारे सवाल खड़े होते हैं कि एक मेटाडोर में गोली का चलना और एक प्रोफेसर घायल होना आखिर किस तरफ किस ओर इशारा करता है। क्या लगता है कि ये एक्सीडेंटल हुआ है या जानबूझकर किया गया, ये तो फिलहाल जांच का विषय रहेगा। पर इस समय की जो तस्वीरें आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गोली से यानी हुए हैं घायल, जिन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए लाया गया। इस समय की तस्वीरें आपके मोबाइल स्क्रीन पर। अभी तक की बड़ी खबर जम्मू में एक बार फिर से मेटाडोर में बैठे हुए यानी गोलीकांड सामने आया। ये हम नहीं कहते कि इसकी पुष्टि नहीं करेंगे, जो सूत्र हम तक खबर पहुंचाई और जब हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचे हैं तो ये बताना चाहेंगे पूरी डिटेल इन प्रोफेसर की कि ये जब अपने ड्यूटी को जा रहे थे, इनका नाम है बताना चाहेंगे, ये जो प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर बायोटेक्नोलॉजी जम्मू यूनिवर्सिटी के और इनका नाम है भारती राजा सन ऑफ सुब्रमण्यम MRO, इनका बताया जा रहा बाईपास रोड थिरुवालुवर नगर और साथ ही साथ न्यू टाउन वनियम बडी थिरुपुतर, साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु के रहने वाले। इस समय गांधीनगर में इनका जो फिलहाल इन्होंने अपनी रिहाइश रखी हुई है और ये तस्वीर है उनकी प्रोफेसर की जो हम आपके समक्ष इस समय रख रहे हैं। भारती राजा जो असिस्टेंट प्रोफेसर है बायोटेक्नोलॉजी के जम्मू यूनिवर्सिटी में, आज जब ये अपने ऑफिस को जा रहे थे जम्मू यूनिवर्सिटी की ओर तो मेटाडोर में ही एक गोली यानी चलती है। और ये क्यों चलती है, कौन लोग थे जो मेटाडोरों में भी हथियार लेकर चल रहे हैं, ये जांच का विषय और कहीं ना कहीं गहन चिंता का विषय है कि क्या लगता है कि मेटाडोर में कोई क्यों हथियार लेकर चलेगा, क्यों चलेगा, क्या लगता है उनकी कोई लाइसेंस वाली गन थी। पर अगर गन किसी के पास थी तो क्या वो मेटाडोर से सफर करेगा, ये सारी जो विषय है चिंता का विषय है। कि जब अब सुबह की बात करें तो जब ये प्रोफेसर जो भारती राजा हैं ये जम्मू यूनिवर्सिटी में जा रहे थे तो वहां पर यानी मेटाडोर में बैठे तो मेटाडोर में एक गोली चलती है, ये कहा जा रहा है कि फिलहाल जो सूत्र हमें बता रहे कि एक्सीडेंटल है। पर ये फिलहाल जांच का विषय रहेगा कि ये एक्सीडेंटल है, ये जानबूझ के चलाएगी, क्या विषय है, ये तो फिलहाल इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में मौजूद है, उनका अंदर इलाज चल रहा है। फिलहाल राइट जो बाजू है उन्हें वहां पर वो बुलेट लगा है जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं और इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में वो इलाज उनका चल रहा है। और वहां पर पुलिस का पूरा अमला जो यहां पर पहुंचा है, SP साउथ पहुंची है, DSP पहुंचे हुए हैं, अन्य अधिकारी पुलिस के यहां पहुंचे हुए हैं और इस फिलहाल उनसे स्टेटमेंट ली जाएगी क्योंकि अभी इलाज चल रहा था, हमें उनसे बात नहीं हो पा रही है। पर फिलहाल जो जानकारी हमने पुलिस के माध्यम से हासिल की है, अभी उन्हें भी पूरा नहीं पता कि आखिर किस तरह से गोली चली है कि ये मेटाडोर से सफर कर यूनिवर्सिटी की ओर जा रहे थे कि मेटाडोर के बीच में ही गोली चली। एक बड़ा ही चिंता का विषय है। फिलहाल हम ये जरूर कहेंगे शुक्र है भगवान का कि बाल बाल इनकी जान बची है। पर इनके राइट बाजू की अगर बात करें यानी कि राइट बाजू जो आम है उन पर बुलेट लगने से जख्मी हुए हैं और जिनका अंदर इलाज चल रहा है। भगवान से यही प्रार्थना करते जो प्रोफेसर भारती राज जल्द से जल्द ठीक हो जाए, स्वस्थ होंगे। फिलहाल पुलिस यहां पर पहुंची हुई है, मामले की जांच भी शुरू की जा चुकी है आखिर किन वजहों की वजह से किससे जो बुलेट चला जिससे वो जख्मी हुए हैं। एक बड़ा ही चिंता का विषय है कि आखिर कौन किस तरह से गोली चली है, कौन लोग हैं जो हथियार लेकर मेटाडोर में सफर कर रहे हैं या जानबूझकर इन पर गोली चलाएगी, ये सारे जो विषय हैं ये जांच के विषय हैं। इस पर हम कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे, फिलहाल ये प्रार्थना जरूर करेंगे, आप भी करेंगे जो प्रोफेसर बायोटेक्नोलॉजी जम्मू यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं भारती राजे जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए क्योंकि कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय और बड़े सारे सवाल है। अब देखना है कि पुलिस किस तरह से अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है और इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल कर आता है क्योंकि जांच का विषय है। हम अपने से कोई भी शब्द आपके सामने नहीं रखना चाहेंगे पर फिलहाल जो दृश्य थे वो हमने खुद यहां पर आकर शूट किए और आपके समक्ष रखे हैं और ये जरूर कहेंगे आला अधिकारियों से कि इसकी जांच करनी चाहिए कि मेटाडोर में अगर इस तरह का हादसा होता है तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक चेतावनी है, एक रेड सिग्नल है कि मेटाडोर में भी इस तरह के लोग अगर हथियार लेकर चलेंगे तो कहीं ना कहीं आम जनता सुरक्षित नहीं। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, अपने कमेंट अपने सुझाव हमें दीजिएगा, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।